तो आपने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से जनरल की जो परिभाषाएं हैं, जनरल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और इसके आधार पर और भी स्पष्ट हो जाती है यह बात कि वास्तव में जनरल एक प्रारंभिक लेखक की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें जो भी दैनिक व्यवहार होते हैं उनके सबसे पहले प्रविष्टि नियमानुसार की जाती है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? अगर हम जनरल की विशेषताओं पर एक नज़र डालें तो जनरल को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। वास्तव में जनरल जो होता है ये लेन देन का सर्वप्रथम लेखा होता है। कच्चे जो प्रविष्टियां हम करते हैं उनको हम लेखा नहीं कह सकते, उनको हम सिर्फ एक स्मरण पुस्तक के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको हम किसी नियमबद्ध तरीके से या प्रारूपबद्ध तरीके से उनकी एंट्री हम नहीं करते। तो नियमानुसार अगर हम लेखों की बात करें तो जनरल ही प्रारंभिक लेखा होता है। एक इसमें महत्वपूर्ण विशेषता ये भी होती है कि ये खतौनी यानी कि लेजर का आधार होता है। हमने देखा था पिछले अध्याय में कि किस प्रकार लेखांकन के अंतर्गत क्रमबद्ध तरीकों से लेखे का निर्माण किया जाता है, जिसे सबसे पहले जनरल एंट्री की जाती है, उसके आधार पर लेजर बनाया जाता है, उसके आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और उसके आधार पर फिर बहुत सारे एडजस्टमेंट को साथ में रखते हुए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर इस क्रम को हम देखें तो जनरल जो है वो लेजर करने का एक आधार बन जाता है। वैसे ही हम इसमें देखते हैं कि जनरल में जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं वो प्रतिदिन की जाती हैं। ये बहुत सारी प्रविष्टियाँ जब इकट्ठा हो जाती है तो हम लेजर बनाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जनरल में जब हम प्रविष्टियाँ करते हैं तो प्रतिदिन जो भी व्यवहार होता है वो एक ही दिन में लिख दिया जाना जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे कच्चे लेखे में हम कहीं पर भी प्रविष्टियाँ कर देते हैं, लेकिन जनरल में हमको तिथिवार और नियमानुसार ही प्रविष्टि करनी होती है, ताकि बहुत आसानी से हम किसी भी दिन के जो व्यवहार होते हैं, जो क्रय विक्रय होते हैं, उनको समझ सकें, उनके बारे में अगर जरूरी हो तो बहुत सारी जानकारियाँ एकत्र कर सकें। वैसे ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी आती है कि लेन देनों की संपूर्ण जानकारी जनरल से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि कच्चे लेखे के आधार पर जनरल की प्रविष्टि की जाती है तो किसी भी व्यवहार के छूटने की संभावना एक तो नहीं होती, यानी एक कंप्लीट एंट्री होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि लेखे के दो पक्ष होते हैं, यानी कि जनरल जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है, तो किसने दिया, किसने लिया, किसके पास से माल गया या रोकड़ गई, किसको माल प्राप्त हुआ या रोकड़ प्राप्त हुई, ये सारी जानकारी हमको जनरल के माध्यम से मिल जाती है। एक महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है नीचे जनरल के नीचे जो सारांश दिया गया रहता है वो पूरा का पूरा एक प्रश्न की तरह होता है, यानी कि अगर एक टीचर को आपके द्वारा बनाए गए जनरल को चेक करना है, जनरल एंट्री को, तो उसको प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप भली भांति सारांश यानी कि नरेशन लिख देते हैं जनरल के नीचे तो पूरी की पूरी जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है कि किस प्रविष्टि की आपने जनरल एंट्री की है, किस व्यवहार की आपने जनरल एंट्री की है। तो व्यवहारिक रूप से जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें तो एक महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर याद रखनी होगी कि जब भी हम पंजी प्रविष्टि करें तो उसके नीचे सारांश का लेखा अवश्य करें। अब हम बात करें यहाँ पर कि जनरल की आवश्यकता क्यों है, क्या कच्चा लेखा जो बनाया गया है वो पर्याप्त नहीं है, या फिर हम जनरल क्यों बनाएं, हम डायरेक्ट अलग अलग व्यवहारों के आधार पर अलग अलग बहियों का निर्माण करके डायरेक्ट हम लेजर बना दें, खतौनी कर दें। तो इस पर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि वास्तव में जनरल इसलिए बनाया जाता है ताकि वो कच्ची बही जो होती है और लेजर जो होता है वो बीच का काम करता है, यानी एक तो वो कच्ची बही को फेयर करता है और दूसरी ओर वो खाता बही का आधार बनता है। तो अगर हम जनरल नहीं बनाएंगे तो कच्ची बहियों को, क्योंकि वो रफली होती हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा क्योंकि इसी जनरल के आधार पर लेजर में पोस्टिंग की जाती है,
डायरेक्ट अगर हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो किसी न किसी प्रविष्टि के छूट जाने की संभावना भी बनी रहती है, तो यहाँ पर जनरल बनाया जाना काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये खाता बही के सहायक के रूप में कार्य करता है। हमने अभी बात की क्रय विक्रय, क्रय वापसी और विक्रय वापसी, ये तो माल के लेन देन से संबंधित है। इसके साथ साथ जितने भी तरह के व्यवहार होते हैं सबके लिए एक बही बनाई जाती है। आप रोकड़ के लिए बना सकते हैं, क्रय के लिए, विक्रय के लिए, क्रय वापसी के लिए, विक्रय वापसी के लिए। अगर किसी प्रकार का खर्च किया गया है, जैसे मान लीजिए किराया दिया गया, कमीशन दिया गया, वेतन दिया गया, यानी जितने भी शब्द जनरल में जुड़ते जाएंगे उन सब की अपनी एक अलग बही बनती जाएगी। तो जनरल बनाने के बाद ही इन सहायक बहियों का निर्माण कर पाना संभव हो पाता है और आसान हो पाता है, इसलिए भी जनरल बनाया जाना जरूरी होता है। एक बात हम यहाँ पे और देखते हैं कि इससे हमको सौदों का संक्षिप्त विवरण आसानी से मिल जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि जब भी आपको क्रियात्मक प्रश्नों को हल करना है आपको पंजी प्रविष्टि के जस्ट नीचे सारांश को जरूर लिखना है, और ये जो सारांश में लिखी गई एक लाइन होती है इसी के आधार पर हमको जितने भी व्यवहार हुए हैं उस पंजी प्रविष्टि के अंतर्गत उन सब की जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। क्योंकि जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो हम देखेंगे हम वहाँ पर डायरेक्ट पोस्टिंग कर देते हैं, वहाँ किसी भी तरह का कोई सारांश नहीं लिखा गया होता। और खाता बही के आधार पर कौन सा व्यवहार कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सब समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये भी एक कारण है कि संक्षिप्त और आसान जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमको जनरल बनाया जाना जरूरी होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि जब हम लेखों की जांच करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा आधार होता है जनरल ही होता है। जनरल के आधार पर ही हम देखते हैं कि एक दिन में कितने व्यवहार हुए, कितना क्रय विक्रय, आय व्यय, आदान प्रदान किया गया। तो एक तो ये विभिन्न प्रकार के जो जांच होते हैं, अंकेक्षण होते हैं, उनका ये प्रारंभिक आधार बनता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो उसको भी ढूंढने में जनरल जो है वो सहायक होता है। हालांकि ये प्रारंभिक पुस्तक है, सबसे लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, लेकिन अगर बैलेंस शीट में कोई त्रुटि हो गई, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, तो हम बैलेंस शीट की जांच करते करते, तलपट और खतौनी की जांच करते करते कहाँ पहुँचते हैं, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक यानी कि जनरल में पहुँचते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, हमने कच्चे बही के आधार पर किसी व्यवहार की प्रविष्टि करना अगर हमने छोड़ दिया है या किसी व्यवहार की हमने गलत प्रविष्टि कर दी है, तो इसका इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि पूरा का पूरा बैलेंस शीट को प्रभावित करता है। तो त्रुटियों को ढूंढने में भी पंजी प्रविष्टियां काफी सहायक सिद्ध होती हैं। और हमने देखा कि अंकेक्षण के समय, खातों की जांच के समय भी इनको हम प्रारंभिक आधार के रूप में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कच्ची बहियां रखी गई है तो हम डायरेक्ट खतौनी कर दें, या खतौनी के आधार पर तलपट और बैलेंस शीट भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जनरल का बनाया जाना जो होता है वो आगे इसके आधार पर जितनी बहियां बनती हैं, जितने खाते बनते हैं, उनको ये आसान कर देता है। तो इसलिए हमने देखा कि जनरल क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप सबके लिए ये जान लेना जरूरी है कि पंजी प्रविष्टियां जो हैं वो अन्य सभी प्रविष्टियों के, अन्य सभी खातों के आधार बनती हैं। अगर आपने पंजी प्रविष्टि को बहुत अच्छे से समझ लिया और आप दैनिक व्यवहारों के लेखों के आधार पर उनकी प्रविष्टियां करना सीख गए तो इसके बाद बनने वाले सभी खाते आपके लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन इन प्रविष्टियों को किया किस तरह जाए, इसके लिए हमको कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा, यानी हमको लेखांकन के स्वर्णिम नियमों को ध्यान रखना होगा, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी अच्छे से समझ जाते हैं और
इस रूल के अकॉर्डिंग आप जनरल एंट्री करना सीख जाते हैं। तो 11th का हमारा ये जो सिलेबस है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आप जब तक अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और व्यवहारिक जीवन में जब आप अकाउंटेंसी को अपनाएंगे तो यही वो पंजी प्रविष्टियाँ हैं जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगे। तो आइए देखते हैं इन पंजी प्रविष्टियों के गोल्डन रूल क्या हैं। हमने देखा कि जब हम व्यवहार करते हैं, खाता बनाते हैं, तो यहाँ पर जो खाते होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप? पहला होता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्ति विशेष से संबंधित खाते, जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, श्याम का खाता। दूसरा होता है वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी इनके अंतर्गत रोकड़ और माल की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यवसाय के लिए, माल जिसके लिए वो व्यवसाय कर रहा है, किसी न किसी माल पर ही वो व्यवसाय कर रहा होगा, और कैश, जैसे कि सबको मालूम है कि पैसा ज़रूरी है व्यवसाय के लिए। तीसरा जो खाता होता है वो संबंधित होता है अवास्तविक खाते से, यानी नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल को हमने अलग कर दिया, रियल को हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद जो भी चीज़ें बची, जहाँ भी हमको जहाँ जहाँ से आय हुई, जहाँ भी हमने व्यय किया, जो भी हमको प्रॉफिट हुआ, जो भी हमको लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं अवास्तविक खाते यानी कि नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों खातों के अपने लेखे करने के कुछ अलग अलग नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, लेखांकन के स्वर्णिम नियम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि व्यक्तिगत खाते का गोल्डन रूल क्या है। बहुत साधारण सी बात है, व्यक्तिगत खाते में हम गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। यानी जिस व्यक्ति को वस्तु या रोकड़ प्राप्त हो रही है उस व्यक्ति के नाम को हम डेबिट करेंगे, और जिस व्यक्ति के द्वारा वस्तु या रोकड़ जा रही है उस व्यक्ति के नाम को हम क्रेडिट करेंगे। एक उदाहरण से हम इसको समझें। रमेश से 1,000 रुपये प्राप्त हुए, क्योंकि रमेश से प्राप्त हो रहा है, यानी देने वाला कौन है यहाँ पर? रमेश। यहाँ हम गोल्डन रूल में क्या देख रहे हैं? देने वाला क्या होगा? क्रेडिट। और क्योंकि 1,000 रुपये हमको प्राप्त हो रहे हैं, रोकड़ हमारे पास आ रही है, तो यहाँ हम अवास्तविक खाते के नियम को लगाते हुए रोकड़ खाते को डेबिट करेंगे, यानी कि प्रॉपर एक जनरल एंट्री यहाँ हमारी हो जाएगी, रोकड़ खाता डेबिट रमेश के खाते से। हमको बस ये ध्यान में रखना है कि पाने वाला कौन है। जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है रोकड़ या माल वो डेबिट में आएगा, और जो व्यक्ति दे रहा है वो क्रेडिट में आएगा। ये व्यक्तिगत खाते का नियम है, पर्सनल अकाउंट का। दूसरा हम देखते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट का सीधा सीधा नियम है, रोकड़ या माल व्यापार में अगर आए तो डेबिट में लिखेंगे, रोकड़ या माल अगर व्यापार से जाए तो क्रेडिट में लिखेंगे। हम दैनिक जीवन में जो व्यवहार करते हैं वो दो चीज़ें वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी व्यापारी के लिए, माल और रोकड़। अब इस पूरे वास्तविक खाते को हम कुछ उदाहरणों से समझें। ये हमने देखा वास्तविक खाते का नियम। एक प्रश्न है हमारे पास, माल खरीदा 2,000 रुपये का। यहाँ हमारे सामने प्रश्न उठता है कि माल नगद खरीदा कि उधारी खरीदा। अगर केवल माल खरीदा लिखा गया है तो ये हमको समझना है कि माल नगद खरीदा गया है,
दूसरी बात, अगर यहां पर हम लिख दे रमेश से माल खरीदा, तो चेंज यहां पर क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया गया है। वो क्यों दिया गया होगा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किससे हमने माल खरीदा है, किसको हमको फ्यूचर में भुगतान करना है, यानी कि ये हमने उधार माल खरीदा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमने यहाँ पर सिर्फ क्रय किया, माल खरीदा लिखा है, तो हमने ये मान लेना है कि माल नगद खरीदा, और अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम जुड़ जाता है तो हमको ये मान लेना है कि माल उधार खरीदा गया है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, रमेश से नगद माल खरीदा, तो भी क्या रमेश का नाम यहाँ पर जुड़ने के कारण वो उधार मान लिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि नगद माल खरीदा गया है, तो इस व्यवहार को हम नगद ही मानेंगे। तो सबसे पहले तो हमको जरूरत होती है कि हम नगद व्यवहार और उधार व्यवहार में अंतर कर सकें। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि कब हम किसी व्यवहार को नगद मानेंगे और कब हम किसी व्यवहार को उधार मानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पहली एंट्री की ओर। जब हमको कहा गया नगद माल खरीदा या केवल माल खरीदा, तो हम इसको नगद ही मानेंगे। अब सोचिए कि जब हम नगद माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माल आएगा, और इस व्यवहार को हम क्या कहेंगे, क्रय, यानी कि उस माल को हम क्रय कहेंगे, क्रय का नाम देंगे। और अगर मैं नगद माल खरीदती हूँ तो मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, रोकड़ जाएगा। अब हम इस बात को वास्तविक खाते के इस नियम से कोरिलेट कर दें, रोकड़ या माल व्यापार में आए तो डेबिट, रोकड़ या माल व्यापार से जाए तो क्रेडिट। जब मैं नगद माल खरीद रही हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है, इसलिए माल डेबिट होगा। यहां मैं माल ना लिख के क्रय खाते को डेबिट करूंगी, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये कौन सा माल है, आया हुआ है कि गया। कई बार जब हम लेजर बनाते हैं तो इस तरह का कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए जब भी आप माल खरीदने की एंट्री करें वहाँ पर माल ना लिख के क्रय शब्द का प्रयोग करें। तो क्योंकि माल मेरे पास आ रहा है, इसलिए मैं प्रविष्टि करूँगी क्रय खाता डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि माल खरीदने पर मेरे पास से रोकड़ जा रही है, रोकड़ अगर व्यापार से जाए तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ पर रोकड़ खाता क्रेडिट करूँगी। लेकिन उसके लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूंगी, रोकड़ खाता से, यानी प्रॉपर यहां पर एक मैं जनरल एंट्री लिखूंगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये उस कंडीशन में जब हमने नगद माल खरीदा। अब हम आ जाए दूसरी जो हमारी प्रविष्टि है उस पे, रमेश से माल खरीदा। जैसे कि मैंने बताया व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तो हमको समझ लेना है कि ये उधार खरीदा है। चाहे हम नगद माल खरीदें या हम उधार माल खरीदें, दोनों ही कंडीशन में माल को हमारे पास आना है, इसलिए हम दोनों ही कंडीशन में माल डेबिट, यानी कि क्रय खाता डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। लेकिन इस सेकेंड कंडीशन में मेरे पास से रोकड़ नहीं जा रही है, फर्स्ट कंडीशन में गए इसलिए मैंने रोकड़ को क्रेडिट किया, सेकंड कंडीशन में मेरे पास रोकड़ नहीं जा रही है, बल्कि मेरा एक लेनदार बन रहा है जिसको मुझे भविष्य में पैसा देना है, तो मुझे यह देखना होगा कि मैंने किससे माल खरीदा। यहां पर स्पष्ट हो जा रहा है कि रमेश से माल खरीदा, तो क्रेडिटर मेरा कौन है, रमेश। तो क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगी यहां पर रमेश से, यानी प्रॉपर एक जनरल एंट्री हमारी हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्रय खाता डेबिट रमेश के खाते से। और तीसरी एंट्री, जैसे कि हमने देखा कि नगद लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, रमेश से नगद माल खरीदा, तो हम नगद की तरह ही एंट्री यहाँ पर करेंगे।
एक बात का हमको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम पंजी प्रविष्टि करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसके नीचे नरेशन यानी कि सारांश लिखते जाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें सारांश लिखना बहुत जरूरी होता है। ये हमने बात की वास्तविक खाते की, जब हम माल खरीद रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही प्रविष्टि हम वास्तविक खातों में माल को बेचने की करते हैं। माल को बेचते समय भी यही समस्या उत्पन्न होती है, जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं तो हम भली भांति समझ लें कि वो जो विक्रय दिया गया है वो उधार है कि नकद। यहाँ भी हमको यही नियम फॉलो करने हैं जो हमने क्रय यानी कि परचेस के टाइम फॉलो किए। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ माल बेचा तो ये माना जाएगा कि नगद माल बेचा, यहाँ हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माल बेचा सिर्फ लिखा है तो हमको ये मान लेना है कि नगद माल बेचा, या तो प्रश्न में स्पष्ट कर दिया जाएगा कि नगद माल बेचा गया तो यहाँ पर तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, या कुछ इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा रमेश को माल बेचा, तो क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष का नाम आ गया, यहाँ हमको समझ लेना है कि ये जो व्यवहार है ये उधार है। अब पंजी प्रविष्टि हम किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं माल बेचा जिसको हमने मान लिया नगद माल बेचा। जब हम नगद माल बेचेंगे तो सोचिए हमारे पास क्या आएगा, मैं अगर किसी व्यक्ति को नगद माल बेचूंगी तो मेरे पास पैसा आएगा, रोकड़ आएगी, कैश आएगा। नियम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रोकड़ या माल व्यापार में अगर आए तो हम डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ मैं अपने अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट लिखूंगी क्योंकि मैंने माल बेचा है, नगद मेरे पास पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने माल बेच दिया यानी मेरे फॉर्म में जो माल था वो एक निश्चित धनराशि का जो भी इसकी अमाउंट होगी वो मेरे फॉर्म से चला गया, तो माल अगर व्यवसाय से जाए तो क्रेडिट। लेकिन मैं यहाँ पर माल को क्रेडिट में ना लिखकर किन शब्दों का प्रयोग करूँगी, विक्रय। जैसे खरीदते समय माल के लिए हमने क्रय शब्द का प्रयोग किया वैसे ही बेचने के समय माल के लिए हम विक्रय शब्द का प्रयोग करेंगे, ताकि खतौनी करते समय हम ये डिफरेंस पता लगा सकें कि कौन सा माल खरीदी वाला है और कौन सा माल विक्रय वाला है। तो यहाँ पर एक नियम हम लगाते हैं कि रोकड़ व्यापार में आई है इसलिए रोकड़ खाता डेबिट, और माल व्यापार से गया है इसलिए माल खाता क्रेडिट, यानी माल से प्रॉपर एक एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अगर माल नगद बेचा गया है तो, और साथ ही हम नरेशन भी लिख देंगे नगद माल बेचा। दूसरी कंडीशन, अगर हम उधार माल बेचे तो यहां पर रमेश को माल बेचा ये लिख दिया गया है, हम समझ सकते हैं कि रमेश को माल बेचा यानी कि उधार बेचा है। उधार माल अगर हम बेचेंगे तो पैसा तो हमारे पास आएगा नहीं, हमको ये सोचना है कभी भी किसी भी प्रविष्टि में कि हमारे पास क्या आया और हमारे पास से क्या गया। तो एक बात तो यहाँ पर श्योर हो गई है कि नगद माल हमने नहीं बेचा, उधार माल बेचा है, किसको बेचा है रमेश को, तो पैसा तो मिलना नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि किससे पैसा मिलना है भविष्य में, किससे मिलना है, रमेश से, क्योंकि हमने रमेश को उधार माल बेचा है तो रमेश हमारा देनदार है, डेटर्स है, भविष्य में हम उससे पैसा वसूल करेंगे, यहाँ हम रमेश के खाते को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में क्या जाएगा, जब मैंने माल बेचा, चाहे माल मैं उधार बेचूं या नगद बेचूं, दोनों ही कंडीशन में मेरे पास से माल जाना है, और माल अगर जाता है तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है, इसलिए विक्रय खाता से, खरीदे हुए माल के लिए हम क्रय खाते का प्रयोग करेंगे और बेचे गए माल के लिए हम विक्रय शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रॉपर एक जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसके साथ हम नरेशन लिख देंगे रमेश को उधार माल बेचे। तो वास्तविक खाते के रूल को फॉलो करते हुए हम माल को नगद बेचने
या उधार बेचने, नगद खरीदने या उधार खरीदने से संबंधित प्रविष्टियां करेंगे। इसलिए वास्तविक खाते का ये नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है और जैसे कि आप देख ही रहे कि हम इसको गोल्डन रूल मान रहे हैं, यानी ये पूरे के पूरे लेखांकन का एक आधार साबित होता है। तीसरा खाता हमने देखा अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। पर्टिकुलर जो पर्सनल अकाउंट होता है उसके बारे में हम जान गए, वो व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है कि पाने वाले व्यक्ति के नाम को हम डेबिट कर देते हैं, देने वाले व्यक्ति के नाम को हम क्रेडिट कर देते हैं। वास्तविक में हमने माल और रोकड़ से संबंधित प्रविष्टियां पढ़ी, केवल माल खरीदा माल बेचा, पैसा मिला पैसा दिया। इसके अलावा भी व्यापार में बहुत सारे व्यवहार होते हैं। कई बार हम किराया देते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनको वेतन देते हैं, जो एजेंट होते हैं कंपनी के उनको हम कमीशन देते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे दायित्वों का हम भुगतान करते हैं और बहुत सारी संपत्तियों से हम बहुत सारी आय प्राप्त भी करते हैं। तो जितनी चीज़ें बच गई, जितने आय व्यय लाभ हानि बच गए, वो सारे के सारे हम नॉमिनल अकाउंट में डाल देते हैं, अवास्तविक खाते में। अवास्तविक खाते का एक बहुत साधारण सा नियम है जिसको हमको फॉलो करते हुए पंजी प्रविष्टियां करनी है। अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट का नियम है, जितने भी हानि और जितने भी व्यय दिखाई दे वो सबके सब डेबिट हो जाते हैं। दूसरी ओर जितने भी लाभ और जितनी भी आय दिखाई दे, जितने भी इनकम जितने भी गेन दिखाई दे, वो सारे के सारे हम क्रेडिट में डाल देते हैं। बहुत सिंपल सा, आइए कुछ उदाहरणों से इनको समझें हम। मान लीजिए हमको एक यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, किराया दिया, स्पष्ट दे दिया गया है, पेड रेंट, किराया दिया यानी कि वह खर्च किया हमने, खर्च का जो नाम है वो डेबिट होगा। जैसे कि हम गोल्डन रूल में देख रहे हैं कि खर्च अगर है, व्यय अगर है तो वो डेबिट होगा। तो व्यय का नाम क्या है यहाँ पर? किराया, रेंट। तो यहाँ पर किराया खाता यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट होगा। और सोचिए जब हम किसी को रेंट देंगे, पे करेंगे, तो हमारे पास से क्या जाएगा? रोकड़ जाएगी, कैश जाएगी। और कैश अगर हमारे पास से जाती है तो वास्तविक खाते के नियम के अनुसार हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यानी प्रॉपर एक जनरल एंट्री यहाँ पर हमारी हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने सैलरी दिया होता तो हमारी एंट्री हो जाती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने कमीशन दिया होता तो हमारी एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कोई भी एक्सपेंस हो उसका नाम डेबिट होगा। और कोई भी एक्सपेंस अगर हम करेंगे, चाहे हम कमीशन दे, चाहे रेंट दे, चाहे सैलरी दे, सभी कंडीशन में क्योंकि कैश हमारे पास से जा रही है इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लॉस भी होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, बहुत सारे दुर्घटनाओं से भी बहुत सारे लॉस होते हैं। तो ये सारे लॉस जो होते हैं वो हम डेबिट में लिखते हैं। और क्रेडिट में डिपेंड करता है कि किस चीज़ का लॉस हुआ है। मान लीजिए एक पॉइंट आपके पास आता है, आग से 5,000 रुपये का माल जलकर नष्ट हो गया, तो यहाँ पर लॉस किसका हो रहा है? माल का, गुड्स का। और हानि जो है, हानि का नाम क्या है? आग से हानि, लॉस बाय फायर। तो इसको हमको डेबिट करना है। हम यहाँ पर एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर, आग से हानि खाता डेबिट। और क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? पैसा तो नहीं गया हमारे अकाउंट से, माल चला गया, तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखेंगे टू गुड्स। लेकिन कई बार जब हम खतौनी करते हैं तो फिर वही दिक्कत आती है कि गुड्स कौन सा, क्रय विक्रय लाभ हानि कौन सा गुड्स। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर हम लिख दें टू परचेस। इससे हमको क्या लाभ होगा? हमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि वो गुड्स लॉस हुआ है जो हमने परचेस करके रखा हुआ था। यानी परचेस गुड्स की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने का गुड्स लॉस हो गया है और उसको हम वहाँ पे माइनस कर देंगे। तो सही तरीका ये है कि यहाँ पर हम लिखें लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट भी हो सकता है,
अगर गुड्स की चोरी हुई है तो टू गुड्स लिख दें, टू परचेस लिख दें, कैश की चोरी हुई है तो टू कैश लिख दें। यानी जो भी लॉस होता है लॉस के नाम को हमको डेबिट करना है, और जिस चीज का लॉस हुआ है, गुड्स का अगर लॉस हुआ है तो टू परचेस लिख दें, कैश का अगर लॉस हुआ है तो टू कैश लिख दें। ये तो हम लॉस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एक दूसरा पहलू भी इसमें यह है कि प्रॉफिट भी तो हो सकता है, कहीं से हमको रेंट रिसीव भी हो सकता है, कहीं से हमको कैश कमीशन के रूप में भी रिसीव हो सकता है, या किसी डेटर से हमको रिसीव हो सकता है। तो जब भी हमको कैश रिसीव होता है, क्योंकि कैश हमारे पास आ रही है, इसलिए रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम उसको डेबिट करेंगे। जब भी कैश हमारे पास आएगी हम डेबिट करेंगे, और कहाँ से आ रही है, सीधी सी बात है, जहाँ से आ रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त किया, तो कमीशन के रूप में हमने क्या प्राप्त किया, कैश, तो हम यहाँ कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कहाँ से प्राप्त किया, कमीशन से, तो टू कमीशन। वेतन हमने प्राप्त किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। रेंट हमने प्राप्त किया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉफिट भी होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के नाम को हम क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे, जिसके बारे में हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट नया जनरल या लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। अगर इस तरह के जो खर्च हैं, अगर सिर्फ वेतन दिया गया है, सिर्फ अगर आपको प्रश्न में दिया है वेतन, सिर्फ कमीशन, किराया, यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि दिया कि मिला, तो हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमको ये समझ लेना है कि सिर्फ वेतन मतलब वेतन दिया, सिर्फ कमीशन लिखा है यानी कमीशन दिया, सिर्फ किराया लिखा है यानी किराया दिया। जब तक स्पष्ट रूप से ना दे दिया गया हो कि किराया प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, तब तक हम उसको पेमेंट ही मानेंगे, तब तक हम उसको रिसीवेबल नहीं मान सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो तीन खाते हमने देखे और उनके गोल्डन रूल देखे, जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो इनको मिक्स करके हम अपनी जनरल एंट्री पास करेंगे। जैसे हमने देखा कि नगद माल हमने बेचा तो वहाँ पे रोकड़ की भी बात आ रही है, रोकड़ पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ये नियम भी उसके अंदर आ रहा है। अवास्तविक खाते के बारे में जब हमने देखा तो हमने देखा कि रोकड़ व्यापार में आई है इसलिए डेबिट हुआ है, और अवास्तविक खाते के नियम को लगाते हुए कहाँ से आई है उसको हमने क्रेडिट किया है। तो इन तीनों नियमों को ध्यान में रखते हुए हमको पंजी प्रविष्टियाँ करनी है। तो हमने ये देखा कि जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो कौन कौन से नियमों को हम फॉलो करते हैं, लेकिन वास्तव में जब क्रियात्मक प्रश्नों के आधार पर हम पंजी प्रविष्टि करना शुरू करते हैं तो इन नियमों के साथ साथ पंजी प्रविष्टि को लिखने के अपने कुछ तरीके होते हैं। कैसे हमको अपनी कॉपी में जनरल एंट्री करनी है, किस तरह से हमको फॉर्मेट बनाना है, आइए इस पर एक नज़र डालें। सबसे पहले, जैसे कि हमने देखा पहले भी कि जब हमको पंजी प्रविष्टि करनी होती है तो हम इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें हम सबसे ऊपर लिखते हैं पंजी प्रविष्टियाँ, और सबसे फर्स्ट कॉलम में हम डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर यानी कि विवरण और खाता पृष्ठ, और उसके बाद हम दो कॉलम बनाते हैं विकलन राशि और समाकलन राशि के। अब यहाँ पर हमको पंजी प्रविष्टि जो करनी है वहाँ हमको गोल्डन रूल लगाना है। ये तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया है कि तीन तरह के खातों में किस तरह से हम गोल्डन रूल फॉलो करते हुए उनकी एंट्री करते हैं, लेकिन इन नियमों के आधार पर जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, इसको भी हम देख लें। जैसे कि हमने पहला एक देखा था कि अगर हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं, मान लीजिए नगद माल हम खरीदते हैं, तो प्रश्न हमारा यानी कि टॉपिक पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है नगद माल खरीदा, या फिर अगर सिर्फ माल खरीदा दिया गया है तो भी हम उसको नगद माल खरीदा गया ही मानते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, जब भी हम नगद माल खरीदेंगे तो माल क्योंकि व्यापार में आएगा इसलिए माल यानी कि क्रय खाता को हमको यहाँ पर डेबिट करना है, और जब हम नगद माल खरीदेंगे तो रोकड़ यानी कि नगद राशि कैश हमारे पास से जाएगा इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ पर प्रॉपर हमारी एक जनरल एंट्री हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हम उसको लिखेंगे किस तरह। तो यहाँ पर हम ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक साइड में विवरण वाला जो कॉलम है वहाँ पर एक साइड में लिखेंगे परचेस अकाउंट, और डेबिट की जो अमाउंट है वो हम इधर एक कॉर्नर में लिखेंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले हमको यहाँ पर डेट वाले कॉलम में, अगर प्रश्न में डेट दिया है तो हम डेट डालेंगे, नंबर दिया है तो 1, 2, 3, ABC जो भी नंबर दिया गया है वो हम पहले डाल लेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि कैसे हम लिखेंगे, तो परचेस अकाउंट डेबिट हमको करना है, तो परचेस हम यहाँ पे कॉर्नर में लिखेंगे एक तरफ, और इधर कॉर्नर में हम लिख देंगे डेबिट। डेबिट लिखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान में रखना है कि हम इसको शॉर्टकट में DR लिखते हैं, जिसमें जो D है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये हमने एंट्री की परचेस अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू कैश अकाउंट या रोकड़ खाता से। तो यहाँ पर डेबिट के लिए तो हम डेबिट वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन क्रेडिट के लिए हमको इंग्लिश में अगर बनाते हैं तो टू, और हिंदी में अगर हम बनाते हैं तो से वर्ड का यूज़ करना है। ये हमको ध्यान रखना है। और ये हम देख रहे हैं कि जब हम क्रेडिट की एंट्री करते हैं तो किस तरह से हम इस पर्टिकुलर वाले जो हमारा कॉलम है इसमें बीचों बीच हम इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसे ही हमको जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे तो ऐसे ही हमको पर्टिकुलर में लिखना है। एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी ध्यान रखें, इसके जस्ट नीचे हम इसका सारांश लिखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने देखा कि सारांश जो है वो किसी भी जनरल एंट्री का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। एक प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो टीचर्स जब पेपर चेक करते हैं या आपकी कॉपी जब चेक करते हैं तो उनको प्रश्न देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके लिए भी ये काम बहुत सुविधाजनक हो जाता है अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वहाँ पर नरेशन या सारांश आपने लिखा हुआ है। तो सारांश लिखना हमको बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पर सारांश लिखते हैं, नगद माल खरीदा या माल खरीदा परचेस, तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे दो चार बातें हम और जान लें। एक तो ये कि अगर हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो हम उस व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट ना लगाएं। जैसे यहाँ हमने लिखा परचेस अकाउंट डेबिट, मान लीजिए यहाँ पर हमको किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो, रमेश अकाउंट डेबिट, तो इस तरह से हम ना करके या तो हम सिर्फ रमेश का नाम लिख दें यहाँ पर, या फिर हम वहाँ पर S लगा दें। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश का खाता डेबिट, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमने बात की कि डेबिट का जो DR है उसमें D हमको बड़ा लिखना है। क्रेडिट के लिए हमको क्रेडिट वर्ड का यूज़ ना करते हुए से या फिर टू वर्ड का प्रयोग करना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि जब हम अमाउंट कॉलम की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जिस राशि पे व्यवहार किया गया वो राशि यानी वो अमाउंट क्या है, और उस अमाउंट को एक बार हम यहाँ पर डेबिट कॉलम में जस्ट डेबिट के बाद लिखते हैं, और क्रेडिट कॉलम में हम यहाँ पर देख रहे हैं इसे टू कैश, रोकड़ खाता क्रेडिट किया गया है, तो हम इसके जस्ट सामने वाली लाइन में क्रेडिट साइड में फिर इसी अमाउंट को लिखते हैं। तो किस लाइन में हम लिख रहे हैं, डेबिट की जो अमाउंट है वो डेबिट के सामने है या नहीं, क्रेडिट की जो अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिख रहे हैं वो क्रेडिट की गई जो राशि है वो क्रेडिट वाले शब्दों के सामने में आ रही या नहीं, इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जब हम अपनी कॉपी में जनरल एंट्रीज करेंगे। तो अब ये तो हमने एक पर्टिकुलर जनरल एंट्री की बात की, यहाँ हमको ये ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम पंजी प्रविष्टियाँ जैसे जैसे प्रोसेस दिया गया है प्रश्न में, जो क्रम दिया गया है उसके आधार पर करते जाएंगे। और व्यवस्थित तरीके से लिखने के लिए हमको एक काम और करना चाहिए कि प्रत्येक जनरल एंट्री के बाद केवल जब हम सारांश लिखते हैं तो केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम में एक लाइन हम खींच दें तो बेहतर होगा आपके समझ के लिए भी और टीचर के समझ के लिए भी। और इस तरह से हम एंट्री करते जाएं और पर्टिकुलर वाले कॉलम में सिर्फ हम लाइन खींचते जाएं। एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर ये जान लें कि अकाउंटेंसी में जब हम लेखे करते हैं तो वहाँ पर हर एक अमाउंट
का तो महत्व होता ही है, लेकिन हर लाइन का भी एक विशेष महत्व होता है। आप कहीं भी कभी भी अपने मर्जी से कोई लाइन नहीं खींच सकते, क्योंकि मान लीजिए हमको, हमने ये जो लाइन यहाँ तक खींची है पर्टिकुलर कॉलम तक, इस लाइन को कहीं हम आगे बढ़ा के अमाउंट कॉलम में ले जा लेते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने खाते को वहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो कहीं भी लाइन खींचने से पहले हमको सोचना पड़ेगा कि क्या नियमानुसार ऐसी कहीं भी कोई भी लाइन खींचना सही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इस अकाउंट को बंद करते हैं, जैसे हमारे पास चार एंट्रीज थी, हमने चारों एंट्रीज कर ली, अब हमको इस पेज पे यहाँ पर इसको बंद करना है, तब हम यहाँ पर नीचे जो है अमाउंट वाला हमारा कॉलम है, वहाँ पर हम अमाउंट के ऊपर एक लाइन और अमाउंट के नीचे दो लाइन खींचकर इसको क्लोज कर देंगे। ऐसे भारतीय बही खाता पद्धति और लेखांकन की जो दोहरी लेखा प्रणाली पद्धतियां हैं, इनको अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्लोज करते समय एक लाल लाइन हमको खींच देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको लाल और हरे पेन का यूज़ करना मना होता है। तो हम यहाँ पर जिस पेन का यूज़ कर रहे हैं उस पेन से ही हम इसको लाइन को डबल खींच सकते हैं। तो ये वो व्यवहारिक बातें हैं जो वास्तव में जब आप जनरल से संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब तक हम जिन अकाउंट, जिन खातों की बात कर रहे थे, वो बहुत सामान्य सी बातें हमने उसमें देखी, माल को खरीदना या बेचना, नगद माल खरीदना या उधार माल खरीदना, नगद माल बेचना या उधार माल बेचना, इस तरह की जो प्रविष्टियां हैं वो बार बार आपके प्रश्नों में आएंगे। कुछ एक पॉइंट्स जो थोड़े से हटके होते हैं उनके बारे में भी हम जान लें। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापार के स्वामी के खाते से संबंधित क्या नियम है। एक्चुअली जब हम एक पॉइंट देखते हैं कि व्यापार के स्वामी ने व्यवसाय प्रारंभ किया पूंजी लगाकर या रोकड़ लगाकर या संपत्ति लगाकर इस तरह, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें व्यापारी जो व्यवसाय कर रहा है वो व्यवसायी प्रभावित हो रहा है। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसका अस्तित्व व्यवसाय से पृथक होता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो जो व्यवसाय का स्वामी है उसके अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री करें। एक्चुअली हम व्यवसाय के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज करते हैं। इसीलिए हमने जब दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत देखे तो वहाँ हमने देखा था कि व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय से पृथक होता है, और यही कारण है कि जब कोई व्यापारी पूंजी लगाता है व्यवसाय में संपत्ति लगाता है या रोकड़ लगाता है और व्यवसाय प्रारंभ करता है, तो हम यहाँ पर पंजी प्रविष्टि करते हैं रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से, या हम कहीं पे भी व्यवसायी का नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो उसने पैसा लगाया है वो पूंजी के रूप में व्यवसाय में शामिल हो गया है। ये इन महत्वपूर्ण बातों का हमको ध्यान में रखना है। और एक विशेष बात ये कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब प्रश्नों में या किसी टॉपिक में जिसका हम जनरल एंट्री यहाँ पर जिसकी कर रहे हैं वहाँ पर अगर व्यक्ति विशेष का नाम है तो हम क्या करें। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं जैसे मान लीजिए राम से उधार माल खरीदा, तो हमने पहले भी देखा था इस कंडीशन में हम अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल यहाँ पर पंजी प्रविष्टि करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। यहाँ पर तो व्यक्ति के नाम का महत्व है, लेकिन जब अवास्तविक खाते में हम जाते हैं, जब हम आय व्यय या लाभ हानि की बातें करते हैं, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे मान लीजिए रमेश को वेतन दिया, यहाँ हमको ये देखना होगा कि ये आय है कि व्यय, तो क्योंकि स्पष्ट रूप से हमको पता चल जाता है कि वेतन दिया मतलब कि ये व्यय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि व्यय का नाम क्या है, तो व्यय का नाम है यहाँ पर वेतन। तो हमको दो चीज़ों से ही मतलब रखना है, एक तो वेतन जो है वो व्यय है, और जब हम व्यय करेंगे तो हमारे पास से रोकड़ जाएगी। यानी यहाँ पर रमेश यानी किसी पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता। एक प्रॉपर यहाँ पर हम जनरल एंट्री कर सकते हैं वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाता से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
और बिल्कुल यही नियम आय की दशा में ही में भी लागू होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है मोहन से कमीशन प्राप्त। अब हमको यहाँ पर दो चीज़ें ही सोचनी है कि ये आय है कि व्यय है। तो क्योंकि स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कमीशन प्राप्त यानी कि ये आय है, दूसरी बात आय का नाम क्या है, आय का नाम है कमीशन, कमीशन के रूप में हमको यहाँ पर आय प्राप्त हो रही है। और जब हमको कमीशन के रूप में आय प्राप्त होगी तो हमारे पास रोकड़ यानी कि कैश आएगी, और अगर रोकड़ या कैश हमारे पास आए तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। कहाँ से आया, कमीशन से, यानी मोहन जो नाम दिया गया है उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। यहाँ हमारी एक प्रॉपर जनरल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, रोकड़ खाता डेबिट कमीशन खाता से। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जब किसी भी प्रकार की आय या व्यय होता है तो हमको ये देखना है कि आय का नाम क्या है या व्यय का नाम क्या है, और रोकड़ हमको प्राप्त हो रही है या रोकड़ हम दे रहे हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि जब हम नगद माल खरीदते हैं तो कई बार वहाँ पर व्यक्ति के नाम के साथ एंट्री दी जाती है। कई बार हम इस तरह से प्रश्न देखते हैं, रमेश से नगद माल खरीदा, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि व्यक्ति का नाम भी दिया हुआ है नगद भी दिया हुआ है, तो इसको हम उधार माने कि नगद माने। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट कर दिया गया है कि नगद माल खरीदा, तो हमको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। नगद शब्द सुनते ही हम समझ जाएंगे कि हमने जो व्यवहार किया है वो नगद व्यवहार है। यहाँ भी हमको किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि जब हम नगद माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल आएगा, इसलिए हम परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्योंकि हम माल नगद खरीद रहे हैं यानी हमारे पास से कैश जा रही है, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉपर हम यहाँ पर एक जनरल एंट्री लिख सकते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने देखा यहाँ पे भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम की कोई एंट्री हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप पंजी प्रविष्टियाँ करेंगे। एक बात यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि माल, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में अपने देखा कि माल के को लेके हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब हम माल खरीदते हैं तो उसको भी हम माल बोलते हैं, जब हम माल बेचते हैं तो उसको भी हम माल मान के ही एंट्री करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमने जाना था कि हम कोशिश करें कि खरीदे हुए माल की प्रविष्टि हम क्रय मान कर करें और बेचे गए माल की प्रविष्टि को हम विक्रय मानकर विक्रय खाते के आधार पर उसकी प्रविष्टि करें, जिससे खतौनी करने में हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि माल का जो अर्थ है उसको कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे क्रय, क्रय जब हम करते हैं तो वो भी माल मान लेते हैं, खरीदा हुआ माल, विक्रय यानी बेचा गया माल, या फिर यहाँ पे हम देखते हैं कई बार प्रेषण पर भेजा गया माल, जिसके बारे में अभी तक के चैप्टर्स में शायद हमने नहीं पढ़ा है। प्रेषण पे क्या होता है कि एजेंट के थ्रू कम्युनिकेट करके माल भेज दिया जाता है प्रेषण पर एजेंसीज को, तो क्योंकि किसी भी कंडीशन में चाहे वो प्रेषण पर भेजा गया यानी कंसाइनमेंट किया गया है वो माल, या फिर परचेस किया गया हो या फिर सेल किया गया, तीनों ही कंडीशन में गुड्स ही इफेक्टेड होता है, माल ही प्रभावित होता है। तो अगर हमने माल कंसाइनमेंट पे दिया है, प्रेषण पे दिया है, तो उसको भी हम अलग से उसके लिए लिख दें प्रेषण पर भेजा गया माल, तो ये भी माल का ही एक भाग हो गया। या फिर हम अपने व्यापार में देखते हैं कि हम कई बार स्कंद की कैलकुलेशन करते हैं, स्टॉक की, यानी वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह गया, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो क्योंकि वो भी एक प्रकार से माल है लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम स्कंद, और अगले वर्ष के प्रारंभ में वही प्रारंभिक स्टॉक यानी कि ओपनिंग प्रारंभिक स्कंद यानी कि ओपनिंग स्टॉक। तो प्रारंभिक स्कंद, अंतिम स्कंद, क्रय,
क्रय वापसी में वापस किया गया माल, विक्रय, विक्रय वापसी से वापस आया माल, ये सारे जो होते हैं ये माल के अलग अलग भाग होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किस तरह का व्यवहार किया गया है, इसके आधार पर ही हमको माल की पंजी प्रविष्टि करनी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, अभी तक हमने जो देखा वहाँ पर हम केवल देख रहे थे कि एक सिंगल सिंगल पोस्टिंग हम किसी पर्टिकुलर व्यवहार के लिए यहाँ पर हम कर रहे थे। कई बार क्या होता है, हम एक ही डेट में दो व्यवहार कर लेते हैं। जैसे मान लिए 1 जनवरी 2021 को माल खरीदा नगद 2000 रुपये का, उधार माल राम से खरीदा 1000 रुपये का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही प्रकृति का व्यवहार है, क्रय, दोनों ही कंडीशन में माल खरीदा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक ही डेट पर वो व्यवहार किया गया है, यानी 1 जनवरी को ही दोनों काम किए गए हैं। तो हम अगर चाहें तो इनके लिए हम एक जॉइंट एंट्री, यानी हम मिश्रित प्रविष्टि, जिसको हम संयुक्त प्रविष्टियाँ कहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक संयुक्त प्रविष्टि क्या कर सकते हैं, क्योंकि माल चाहे हम नगद खरीदें या उधार खरीदें, दोनों ही कंडीशन में क्रय खाता डेबिट होना है। चाहे हम उधार माल खरीदें या हम नगद माल खरीदें, दोनों ही कंडीशन में माल हमारे पास आएगा, इसलिए हम क्रय खाते को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट दो चीज़ों से होगा, एक तो नगद माल खरीदा गया है, फर्स्ट एंट्री हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे उसके लिए टू कैश अकाउंट। और सेकंड में हम देख रहे हैं कि राम से उधार माल खरीदा है, व्यक्ति का नाम दिया है यानी उसने उधार माल खरीदा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू राम। यानी प्रॉपर हमारी एक जनरल एंट्री हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू राम। तो इस तरह की अगर कंडीशन कोई आ जाती है कि एक ही तरह की प्रविष्टि है, एक ही डेट पे है, तो उसके लिए हम इस तरह से प्रविष्टियाँ जो करते हैं, इन्हीं को हम संयुक्त प्रविष्टि या जॉइंट एंट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जब हम इस तरह की संयुक्त प्रविष्टि करें तो प्रॉपर हम इसके लिए नरेशन यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दें, एक सारांश इसके लिए यहाँ लिख देना बहुत ज़रूरी होता है। इन संयुक्त प्रविष्टियों के साथ साथ हम कई बार जो कॉमन एंट्रीज हमने देखी, इनके साथ साथ हम बैंक से रिलेटेड प्रविष्टियाँ भी करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो हमारा बहुत सारा व्यवहार बैंक से भी होता है। बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, बैंक से हम पैसे निकालते हैं, कई बार हम बैंक से ओवरड्राफ्ट भी करते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब कि जितना आपके अकाउंट में पैसा जमा है उससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं कई बार, अगर बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है तो। और बैंक ये फैसिलिटी उन्हीं व्यापारियों को देता है जिनका क्रेडिट काफ़ी अच्छा होता है, जिनकी गुडविल अच्छी होती है, वो ओवरड्राफ्ट से भी व्यवहार कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ आप देखते होंगे कि व्यवसाय में आप केवल कैश के माध्यम से ही लेन देन नहीं करते, कई बार आप चेक इशू करते हैं या कई बार आप चेक रिसीव भी करते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यवहार होते हैं जो एक व्यापारी बैंकों के द्वारा करता है। तो बैंक द्वारा की जाने वाली जो व्यवहार होते हैं, बैंक से किए जाने वाले जो व्यवहार होते हैं, उनकी एक प्रॉपर अलग से जनरल एंट्रीज की जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि बैंक से जब हम व्यवहार करते हैं तो किन किन कंडीशन में कौन कौन सी जनरल एंट्रीज की जाती हैं। बैंक संबंधी विभिन्न व्यवहार एवं उनका जनरल लेखा। पहला, बैंक में रोकड़ जमा करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डिपॉजिटेड कैश विद बैंक। दूसरा, व्यापार हेतु बैंक से रोकड़ निकालने पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। तीसरा, निजी खर्चे हेतु चेक से रुपया निकालने पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। चौथा, चेक से भुगतान करने पर यदि भुगतान किसी व्यक्ति विशेष को है, जैसे विश्वनाथ को चेक से भुगतान किया।
विश्वनाथ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक टू विश्वनाथ। बी, यदि किसी खर्चे के भुगतान हेतु चेक दिया हो, जैसे मजदूरी का भुगतान चेक से हो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक टू इशूड फॉर वेजेस। पांचवा, प्राप्त चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि बैंक में तुरंत संग्रह हेतु जमा करने पर। जब चेक, ड्राफ्ट आदि प्राप्त होने की तिथि को ही संग्रह हेतु बैंक में जमा करा दिए जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट बीइंग चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। जब चेक प्राप्त होने की तिथि के बाद अन्य तिथि को बैंक में संग्रह हेतु जमा कराया जाता है, तो चेक प्राप्त होने की तिथि को कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। जिस तिथि को चेक जमा कराया जाएगा, उस तिथि को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर हम चेक की प्राप्ति को एक प्रकार से रोकड़ की प्राप्ति मान लेते हैं। छठवां, जमा चेक अनादरित होने पर कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक डिसऑनर्ड। सातवां, लेनदारों को जारी किया गया चेक बैंक से अनादरित हो जाने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग चेक इशूड टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड बाय बैंक। आठवां, बैंक खर्च, चेक, बिल आदि के संग्रह अथवा अन्य सेवा के लिए बैंक ने कोई शुल्क लगाया हो और उसकी सूचना प्राप्त हो गई हो, तो इस संबंध में निम्न प्रविष्टियां की जाएंगी। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक में जमा राशि का ब्याज, जो रकम बैंक में जमा कराई जाती है उस पर बैंक ब्याज जमा करती है, ऐसे ब्याज के जमा होने की सूचना मिलने पर प्रविष्टि की जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन डिपॉजिट्स। दसवां, ग्राहक से प्राप्त चेक अनादरित होने पर व्यय का लेखा। यदि अनादरित चेक पर होने वाले व्यय की बैंक ने कोई सूचना दी हो, तो इसकी प्रविष्टि की जाएगी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस ऑन डिसऑनर्ड ऑफ चेक। ग्यारवा, ऋण लेने पर जब बैंक से किसी निश्चित अवधि के लिए ऋण लिया जाता है, तो निम्न प्रविष्टि की जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन रिसीव फ्रॉम बैंक। बारवा, अधिविकर्ष पर ब्याज, जब बैंक ने अधिविकर्ष की रकम पर ब्याज लगाया हो, तो इसकी सूचना आने पर निम्न प्रविष्टि की जाएगी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। 14, बैंक ऋण का नगद भुगतान, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। बैंक ऋण का चेक से भुगतान करने पर बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being repayment of bank loan by issued of check।